Good morning, everyone. Welcome back to our online class again. In the last class, we have completed our third lesson of history, that was Nazism and the Rise of Hitler. Now we are proceeding towards our fourth and last lesson of civics, that is working of institutions. कि हमारे संस्थान कैसे काम करते हैं. अब सबसे पहले तो we must know what are these institutions. ये जो पहला word आया working, काम करना, institution, संस्थान. संस्थान है क्या? अब जैसे हम घर की बात करें, we have daily routine, different works have to be done inside the home also. कि अगर घर में देखें, सुबह उठने से लेके शाम तक बहुत सारी क्रियाएं हमारे पेरेंट्स हैं, वो जिम्मेवारियां निभाते हैं अलग अलग, और उसमें भी जिम्मेवारियां डिवाइड कर देते हैं कि ये वाला काम ये करेगा ये, क्योंकि एक व्यक्ति सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वहन नहीं कर पाता, तो उसमें कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर दी जाती है. जैसे घर में हम ज्यादातर देखते हैं मम्मी सुबह उठते हैं हमारे लिए खाना वगैरह बनाना, पापा सुबह तैयार होकर दफ्तर वगैरह फिर कहीं ऑफिस वगैरह फिर कोई दुकान है उसके लिए निकल जाते हैं. तो ये सारी हमारे पास क्या है कि अलग अलग जिम्मेवारी डिवाइड कर दी. इसी प्रकार द गवर्नमेंट हैज डिफरेंट टास्क टू डू. सरकार के पास में तो बहुत सारे काम है कि दे हैव टू फोकस ऑन एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर. तो कितने सारे सेक्टर, कितनी चीजों पर फोकस करना होता है हमारी सरकार को. तो इन सब चीजों के लिए क्या है कि जो काम हमने डिवाइड किया था घर में कि माता जी क्या करेंगे, पिताजी क्या करेंगे, अगर कोई काम ऐसा है जो हमारे से हो सकता है तो हमें जिम्मेवारी दी जाती है आप करेंगे ये, तो उसी प्रकार सरकार भी टू कंप्लीट ऑल दिस टास्क मेक सम अरेंजमेंट्स, कुछ प्रबंधन करती है, एंड दीज अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस, और वही संस्थान कहलाते हैं. जैसे सरकार ने क्या क्या, मैंने अभी बोला कि हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों तक किस प्रकार अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाए, किस प्रकार शिक्षा की व्यवस्था की जाए, किस प्रकार हमारे डिफेंस को मजबूत किया जाए, किस प्रकार एग्रीकल्चर को इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट प्रदान किया डेवलप किया जाए. तो ये सारी चीजें जब आएंगी तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, अरेंजमेंट क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए, अलग अलग मिनिस्ट्रीज बना दी. वो क्या है, इंस्टीट्यूशन है, कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री, ये सारे क्या है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, अरेंजमेंट है काम करने के लिए. तो इंस्टीट्यूशन क्या है, द अरेंजमेंट्स डन बाय द गवर्नमेंट टू कंप्लीट डिफरेंट टास्क आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस. अलग अलग कार्य को पूरा करने के लिए जो हमारे यहाँ व्यवस्थाएं की गई, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, वो क्या, संस्थान है. तो यह वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस. अब इसमें एक एग्जाम्पल से समझाया गया ऑफिस मेमोरेंडम से, एक 13 अगस्त 1990 का एक ऑफिस मेमोरेंडम है, उससे हमें इसको समझाया गया है हाउ इट वर्क्स, कि हमारा संस्थान काम करते कैसे है. उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार का रखा है. इट वॉज रिगार्डिंग एन ऑफिस मेमोरेंडम विच वॉज फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. उसमें एक डिपार्टमेंट से एक ऑफिस मेमोरेंडम निकलता है ऑफिस. अब ये पहले वर्ड आ गया ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम क्या है. अब उसमें क्या होता है, ऑफिस मेमोरेंडम में एनी लेटर स्टेटिंग ए मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट बाय एन अथॉरिटी. कोई भी एक ऐसा आदेश और एक कम्युनिकेशन बाय अथॉरिटी फॉर एनी पॉलिसी डिसीजन, किसी पॉलिसी डिसीजन के बारे में कोई आदेश निकला हो किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, वो क्या है, मेमोरेंडम है, ऑफिस मेमोरेंडम है. जैसे इसमें भी क्या था, ये जो आदेश निकला इसके ऊपर जॉइंट सेक्रेटरी के साइन, डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी के साइन थे. संयुक्त सचिव होता है एक सीनियर आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, उसके साइन थे. उस वो आदेश था कि इस बारे में सरकार दिन में हजारों सैकड़ों निकालती है इस प्रकार के हंड्रेड्स ऑफ मेमोरेंडम और नोटिसेस केम आउट फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट से सैकड़ों और हजारों की संख्या में नोटिस डेली निकलते हैं, क्योंकि इतने सारे डिपार्टमेंट है, इतने सारे काम कर रहे होते हैं उसमें निकलते हैं. लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण एक आदेश था. ये क्या था, किसके बारे में था, इट वॉज रिगार्डिंग द रिजर्वेशन टू SEBC सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. तो ये आदेश तो निकला, इसमें क्या था कि 27% रिजर्वेशन इज गिवन टू SEBC सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को, 27% रिजर्वेशन दिया गया था. तो बहुत महत्वपूर्ण था, इसके ऊपर बात तक डिबेट हुई, कुछ इसके फेवर में थे कुछ अगेंस्ट में थे. तो इसलिए महत्वपूर्ण डिसीजन था, इसलिए इसका एग्जाम्पल लिया गया. अब इसमें था क्या, 27% रिजर्वेशन दे दिया गया. इससे पहले रिजर्वेशन केवल किसको था, इससे पहले रिजर्वेशन केवल दो कम्युनिटीज SC और ST को था, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन था. इससे पहले पहली बार SEBC को रिजर्वेशन दिया गया, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. हालांकि अब इसको क्या बोलते हैं, नाउ इट इज नोन एज OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस. तो ये हमारे यहां अगस्त में
जो हमारे गवर्नमेंट थी जनता दल की, बीपी सिंह जिसके प्रधानमंत्री बने थे इस पार्टी से, जनता दल से, उन्होंने एक नया आदेश लागू किया था कि अब 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को। अब ये सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस किस प्रकार डिसाइड की गई, इतना रिजर्वेशन क्यों दिया गया, क्या रिकमेंडेशन और थी, इसके बारे में हम अपनी आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे कि अब ये तो केवल इतना था कि क्या जिस व्यक्ति के साइन थे उसका डिसीजन है ये। साइन तो किसके थे? जॉइंट सेक्रेटरी के, एक सीनियर आईएएस अधिकारी के। लेकिन इतना बड़ा डिसीजन कोई एक अधिकारी नहीं ले सकता, और ये आप चीज पहले देख चुके हो कि दीस आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव्स, की कानून बनाना लेजिस्लेचर का काम है, लागू करना एग्जीक्यूटिव का काम है, और जो आईएएस रैंक के अधिकारी हैं या सेक्रेटरी वगैरह हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, दीस आर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव नॉट द लेजिस्लेचर। बनाने के लिए जिम्मेवार है, लागू करने के लिए, लागू करने वाले व्यक्ति का तो बनाया हुआ नहीं है। ये तो अंडरस्टूड था कि जिस व्यक्ति ने साइन किया वो तो लागू करने वाला व्यक्ति है, उसने तो आदेश दिए लागू करने के, बनाया उसने नहीं। अब उसमें हम देखते हैं कि कौन लोग हैं जिन्होंने इसको बनाया होगा। अब इससे पहले हम क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे यहाँ किस प्रकार की कुछ मेजर फंक्शनरीज इसमें रहे होंगे, महत्वपूर्ण लोग शामिल रहे होंगे, तो कौन कौन लोग हो सकते हैं, तो उसके बारे में पहले हमारी जो बुक है, पहले का सिलेबस, उसमें पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार डिसीजन लिए जा सकते हैं। तो उसमें हमने किस किस की भूमिका निभाई थी कि हमारे यहाँ डिसीजन कोई भी अगर पार्लियामेंट पास होता तो किसके साइन होते हैं? प्रेसिडेंट के। तो सबसे हमारे यहाँ सबसे बड़ी अथॉरिटी की शायद वो शामिल रहे होंगे, हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कौन कहाँ किस प्रकार शामिल था। लेकिन अगर पहले का रिविजन करें हम, तो हमारे जो डिसीजन लिए जाते हैं भारत में, ऑल इंडिया लेवल पर जो डिसीजन लिए जाते हैं, उसमें किस प्रकार स्थितियां होती है, कौन लोग शामिल हो सकते हैं, कि हमारा डिसीजन लागू होता है सबसे पहले तो उसमें हु इज नोन एज द हेड ऑफ द स्टेट, हमारे देश का प्रमुख कौन? प्रेसिडेंट। जितने भी भारत में कानून बनते हैं, दीज आर अल्टीमेटली सैंक्शन बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की साइन होते हैं। देन आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार का मुखिया, देश का मुखिया, इसकी साइन होते हैं। लेकिन वास्तविक ताकत किसके द्वारा पूरी, किसके हाथ में होती है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। तो वो हमारा कौन? प्राइम मिनिस्टर है, वो गवर्नमेंट का, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार चल रही है उसका मुखिया है, क्योंकि मंत्री बनाना हटाना डिसीजन लेना सुप्रीम डिसीजन किसके पास होता है? उसी के पास होता है कि क्या कुछ निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया जाएगा। तो हमारे पास दूसरा प्राइम मिनिस्टर। फिर हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर भी सारे डिसीजन ऐसा नहीं अपनी मर्जी से ले लेगा, अगर उसने डिसीजन ले भी लिया देन इट हैज टू बी पास्ड इन द पार्लियामेंट। हम कोई भी डिसीजन हमारी सरकार लेती है, हमारे प्रधानमंत्री या कैबिनेट लेती है, तो देन इट हैज टू बी पास बाय द पार्लियामेंट, एंड आवर पार्लियामेंट हैज टू हाउसेस, हमारे पार्लियामेंट के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें उसका पास होना जरूरी है। तो ये तीन महत्वपूर्ण फंक्शनरीज हैं भारत में किसी भी डिसीजन को इंप्लीमेंट और टू मेक इट, किसी भी डिसीजन को बनाने और इंप्लीमेंट करने में तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं कि हमारे यहाँ अगर कोई भी कानून बनेगा अंतिम साइन प्रेसिडेंट के होंगे, डिसीजन किसने लिया? सरकार ने लिया है, सरकार का मुखिया प्राइम मिनिस्टर है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है, और डिसीजन लेने के बाद कहां पास कराना? पार्लियामेंट, उसको पास कराना, तब वो लागू होगा। अब इस ओबीसी वाले डिसीजन के लिए हम हमारी अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे किस प्रकार इसके लिए एक अलग कमीशन बनाएगा, आयोग बनाएगा, उसके बाद उस आयोग ने क्या क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया, किस प्रकार उसे रिकमेंडेशन दी थी और किस प्रकार इसको लागू कर दिया गया। If you have any doubt, then you can ask. Thank you very much.